Our next topic is outsourcing of services. So what is the outsourcing of services? The topic is, and in outsourcing services, we manufacture the product with the help of any external person or institution. It is known as outsourcing of services. This is a new form of business. Due to outsourcing services, customer get things of high quality at minimum price. In receiving outsourcing services, production unit increases its profit immediately. Thus, we can say that the transfer of liability by a product to another person or organization is called outsourcing of services. देखिए, outsourcing of services में जब हम किसी product को बनाने में किसी बाहर वाले व्यक्ति की हेल्प लेते हैं तो उसे आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज कहा जाता है। इसका ये फायदा है कि जो कस्टमर होते हैं उसे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं और वो भी कम कॉस्ट पे। इसका सिंपल सा ही कंसेप्ट है कि आप किसी और व्यक्ति की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि जो कंपनी रहती है वो प्रोडक्ट के सारे पार्ट से नहीं बनाती, ठीक है, वो कुछ एक पार्ट है जो दूसरी कंपनी से बनवाती है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम आउटर ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड जो रहता है वो बिल खुद नहीं बनाता, दूसरे लोगों से, बाहर वालों से बनवाता है, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लोकल लोग ही करते हैं। लोकल मतलब कि कोई अदर कंपनी को हायर कर लेते हैं और वो कंपनी हेल्प करती है बिल प्रिपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ऐसे जो वर्क है इसे आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज कहा जाता है। सेकेंड टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। सी, द फर्स्ट पॉइंट इज चीप सर्विसेज। बाय आउटसोर्सिंग सर्विसेज वी गेट द सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट। इफ द वर्क इज डन बाय द प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, द कॉस्ट इंक्रीजेस। देयरफॉर दिस वर्क इज डन बाय आउटसोर्सिंग इंस्टीट्यूशन। देखिए, जब आप सर्विसेज को किसी अदर इंस्टीट्यूशन से हायर करते हैं तो आपको सस्ती पड़ती है, क्योंकि उनके पास सारी टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, मशीन मेथड सब रहता है, ठीक है। अगर आप उस मशीन मेथड जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेंगे। सेकेंड वन इज ग्रोथ इन बिजनेस। बिजनेस वर्क इमीडिएटली इज डन बाय आउटसोर्सिंग बाय विच द एरिया एंड क्वान्टिटी बिजनेस ऑफ बोथ इंक्रीजेस। देखिए, तो सेकेंड में हमने ये बोला कि जो बिजनेस रहता है उसे ग्रोथ मिल जाती है। थर्ड है स्पेशलाइज सर्विसेज। आउटसोर्सिंग सर्विसेज इज स्पेशलाइज्ड इन इट्स वर्क एंड इट्स एडवांटेज इज जनरली गेन्ड बाय प्रोडक्शन कंपनी। देखिए, जो व्यक्ति जिस काम में स्पेशलाइज होता है उसे वही काम दिया जाता है। फिर नेक्स्ट इज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बाय यूजिंग द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन आर इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इज अटेंशन ऑन मेन वर्क। व्हेन आउटसोर्सिंग सर्विसेज डू द स्मॉल टाइप ऑफ वर्क कनेक्टेड टू द प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर की अटेंशन ऑन द मेन वर्क। देखिए, इससे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर रहता है वो मेन काम पे ध्यान देता है और जो छोटे छोटे काम होते हैं वो किसी आउटसोर्सिंग सर्विसेज की हेल्प से ले लिए जाते हैं। हियर आर फ्यू लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। द फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेट ऑफ द बिजनेस इज एट रिस्क वाइल्ड टेकिंग वर्क फ्रॉम आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आपका जो काम है वो दूसरे तक पहुँच जाता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी आपके जो प्रोडक्ट है उसके सीक्रेट से जानता है, तो आपके जो सीक्रेट से वो रिवील हो जाते हैं, तो ये एक तरह की रिस्क है। द नेक्स्ट इज लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देर इज अ लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन आर कंट्री। इफ द वर्क इज डन बाय आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इट क्रिएट्स अ हैवॉक अमंग सिटीजन। इंडिया इज आउटसोर्सिंग फॉर अमेरिका इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड मेडिकल रिलेटेड वर्क एज अ कॉस्ट। दिस वर्क इज इन लो इन इंडिया। अमेरिकन सिटीजन हैव अपोज दिस प्रोसेस इंटेंसली। देखिए, क्या हुआ था कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से काम करा लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके यहाँ के जो रोजगार हैं वो छिन जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं उनमें एक डर सा पैदा हो जाता है। जैसे कि अमेरिका इंडिया के रिलेशंस आपको पता ही है अच्छे हैं, तो अमेरिका के लिए इंडिया काम करता है, तो अमेरिकन्स ने इसका पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि अमेरिका के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो छिन गई थी। फिर इंक्रीज इन एक्सप्लॉयटेशन। इन द कॉम्पिटिशन ऑफ कीपिंग द कॉस्ट लो, आउटसोर्सिंग कंपनी अपॉइंट्स इट्स वर्क पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन एट लो वेजेस एंड डज एक्सप्लॉयट देम। क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ जाता है आउटसोर्सिंग से, वो महिलाओं और बच्चों से काम करवाते हैं और उनको काफ़ी कम पेमेंट देते हैं। फिर डीमेरिट्स ऑफ डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी इंक्रीज। आउटसोर्सिंग सर्विसेज डिपेंडेंशियल ऑन द कंपनी ऑफ फॉर देयर वर्क, दे मे फेस डीमेरिट्स ऑफ डिपेंडेंसी। आउटसोर्सिंग की हेल्प से आप जब भी काम कराते हैं तो आप पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको नुकसान होता है, आप सामने वाले पर डिपेंड हो जाते हैं।